हाय फ्रेंड्स, मैं सजल वर्मा फ्रॉम सिविल सेंटर। आज हम लोग बीम के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख रहे थे स्लैब के बारे में, तो स्लैब और बीम जो हमारा रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है कि स्लैब और बीम को हम लोग जो है एक साथ ही कास्ट करते हैं, जिसे हम लोग मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग आज साइड जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा स्लैब और बीम है वो कैसे दिख रहा है एक साथ, और हम लोग बीम में कैसे रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रेनफोर्समेंट दे रहे हैं बीम के अंदर वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और बीम्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि बीम के ऊपर लोडिंग कैसे लगता है, कैसे उसका बेंडिंग मोमेंट बनता है, और भी हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे बनाते रहेंगे। बट अभी हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं और स्लैब और बीम का जो हम लोग का एक साथ कॉम्बिनेशन है कैसा दिखता है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे क्या है हमारा, ये बीम है। बीम हमारा दो साइड से कंटिन्यूअस है, तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा वो हमारा दोनों टॉप में हमारा क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा नेगेटिव, और हमारा मिडिल में क्या होगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो अभी जो हमारा सपोर्ट से मूवमेंट जनरेट हो रहा है, उस मूवमेंट को रिजिस्ट करने के लिए हम लोग टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट हो रहा है मिडिल में, उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं हमारे लोअर पोर्शन के अंदर, हमारा बॉटम में हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट है वो रजिस्ट होता है, हमारा निगेटिव वाला भी जो हमारा टॉप में है वो वहां से हमारा रजिस्ट हो जाता है, और जो हमारा पॉजिटिव है वो भी रजिस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बीम के अंदर है वो रेनफोर्समेंट टॉप में हमारा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है और बॉटम में भी हमारा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।